तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुकी है और मार्केट ने लगभग फ्लैट ओपनिंग ही दी है और मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। चलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। बहुत तगड़ी कैंडल बन रही है। निफ्टी में बाई का संकेत, बैंक निफ्टी में भी बाइंग का संकेत, लेकिन हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे वरना ये हमें ट्रैप कर देगी मार्केट। बैंक निफ्टी, यस, शॉर्ट पोजीशन। जैसे ही ये 49,500 का लेवल क्रॉस करेगी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओ क्या, पुट में ट्रेड लेंगे, सॉरी पुट में ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट की एक आध कैंडल सस्टेन करनी चाहिए क्योंकि बड़ी कैंडल देख के सब लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, मतलब पुट का ट्रेड लेंगे। लेकिन ये रुकनी चाहिए, ऐसे एकदम भागती मार्केट में नहीं लेंगे वरना धड़ाम से नीचे गिरेंगे। वैसे यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट एकदम मिलेगा और एसएल भी एकदम ही जाएगा, लेकिन हम वेट करते हैं। एक आध कैंडल तो यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए, ऐसे नहीं लेते ट्रेड ये। चलो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं पुट साइड का। देखते हैं क्या होता है। कुछ ज्यादा जल्दी कर दी हमने लगता है। बहुत फास्ट मूव होगा, या तो एसएल जाएगा या टारगेट मिलेगा। ये निफ्टी यहां से रिजेक्शन क्यों ले रही है, 1 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। ये क्या है यहाँ पे, अच्छा ये इसका एक जोन है, ये जहाँ पे ये ओके। किधर के करिए, 1 मिनट पे यहाँ ये है। हम ट्रैप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि टारगेट हिट हो जाएगा, ट्रैप भी हो सकते हैं क्योंकि थोड़ी जल्दी हमने ट्रेड बना दी। सिचुएशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्या करते। देखिए हमने ट्रेड इसलिए बनाया है क्योंकि लोग, देखिए यहाँ से जैसे ये क्लोज हुई थी मार्केट, तो लोगों ने अब यहाँ से इसे सपोर्ट लेके ऊपर गई है, तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की ही पोजीशन बनाएंगे, जैसे ये कैंडल देख के बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस भी हुआ था 49,500 का लेवल, तो इस लेवल को देख के लोग बाइंग में जाने की कोशिश करेंगे और इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट सेलिंग में आ जाएगी, ये सोच के हमने ट्रेड बनाई है। और फिर क्या होता है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये मार्केट है, हम एकदम इसमें कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। सौ पॉइंट का तो एसएल दे देंगे, जल्दी ट्रेड बना दी। वैसे मुझे लग रहा है मार्केट एक बार और ऊपर जाएगी यहाँ पे ऐसे करके और फिर नीचे आएगी।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऐसे निकल के गिर भी जाती है तो हम रह भी जाते हैं। बहुत बार हुआ हम टेट बना ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आज बना लिया, हमने कहा देखते हैं। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से टारगेट नहीं देती है, बायर को भी ट्रैप करने की कोशिश करती है, सेलर को भी ट्रैप करने की कोशिश करती है। जो ऑपरेटर होता है वो बहुत चालाक होता है। अब जो यहाँ पे ये लोग हैं, ये जिन्होंने अब यहाँ पे सेलिंग भी तो किया होगा, इनको भी ट्रैप करने के लिए मार्केट ऐसे ऊपर जा सकती है, ये इनके ऐसे लोग हैं यहाँ कहीं पे, उसके बाद हो सकता है फिर ग्रे मार्केट। देखते हैं क्या होता है, वैसे इतना तो नीचे आ जानी चाहिए ये 100 पॉइंट। आ जा, एक स्पाइक और एक। अरे यार, कैंडल तो अच्छी बन रही है, लेकिन वही बात है कि कैंडल एकदम ऊपर को भी जा सकती है मार्केट। देखिए यहां से बार बार रिजेक्शन ले रही है यहां से। हमने गलती कर दी थोड़ी सी, हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी ऊपर। बहुत बुरी सिचुएशन बन रही है, मार्केट नीचे के लिए रेड कैंडल बना रही है, क्लोजिंग ऊपर के लिए कर रही है, फिर कि पहले सेलर को ला रही है फिर ऊपर के लिए क्लोज कर रही है, जैसे कि आओ सेलर आओ, और फिर ऊपर क्लोज कर रही है, मतलब कॉल में जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सिचुएशन कुछ मुझे ठीक नजर नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया दोस्तों, और हम यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, वरना ये मार्केट हमें उठा के पटक देगी और हमारा एसएल ले जाएगी। और अब यहाँ से मार्केट जाने को ऊपर जा सकती है, हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं।